अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द माई न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। रमज़ान का बाबरकत महीना अपने इख्तिताम को है और जाहिर सी बात है आप लोग भी अपने घर में सब अच्छी अच्छी चीज़ अफ्तारियाँ बना रहे होंगे। सबकी ईदियाँ जा भी रही होंगी और आ भी रही होंगी। ये मेरा आज का जो व्लॉग है ये ईदी के ऊपर है। अम्मी ईदी लेकर आई थी और जो है फिर मैंने अफ्तारी की तैयारी की थी। इसमें मैंने स्पैगेटी बनाई थी और दही बड़े बनाए थे, छोले बनाए थे, सैंडविचेस बनाए थे और ये आलू के पकोड़े और सैंडविचेस थे। और मैंने ये भारत के बाहर से समोसे मंगवाए थे, आलू के दही बड़े बनाए थे और छोले की चाट बनाई थी। आप लोगों की भी ईदियाँ आई होंगी, ईदियाँ गई होंगी आपके मायके से। आप लोग मुझे बताएं आप लोगों की ईदी में कैसी आती है और क्या क्या आता है। तो अम्मी को आना था तो उन्होंने मैंने बोला था फिर आप अफ्तार यहीं करिएगा, तो फिर मैंने जो है अफ्तारी की तैयारी की थी। तो और ये बच्चों के कपड़े आए थे ईदी में, हसन के और मुस्तफ़ा के। ये हसन का शलवार कमीज़ है, मुस्तफ़ा के शर्ट एंड ट्राउज़र है। अच्छे कपड़े थे माशाल्लाह से, सब सारे बच्चों को भी बहुत पसंद आए उनके कपड़े। कैप वाले कपड़े थे, मुस्तफ़ा का तो सूट था। और इसके बाद जो है मैं थोड़ा ज़्यादातर शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं थोड़ा काम में भी बिज़ी थी, बच्चे भी तंग कर रहे थे। तो थोड़ा थोड़ा जो शूट किया वो मैंने आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर किया है और इस शेयरिंग को मुझे उम्मीद है कि आप लोग पसंद करेंगे। और मेरा ये कैश आया था, मेरे कपड़े नहीं थे तो मेरी ईदी में मेरे लिए कैश आया था ईद मुबारक का एनवलप में। और इंशाल्लाह ईद करीब है, रमज़ान जाने वाले हैं हम सबको छोड़ के, और रमज़ानों की भी अपनी तैयारी है। ईद की लोग अपनी शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। मैंने अपनी शॉपिंग तो कर ली थी ज़्यादातर, मेरे हस्बैंड पैसे दे चुके थे लेकिन जो है मैंने और थोड़ी बहुत करी। फिर अम्मी ने जब पैसे दिए तो, और फिर नेक्स्ट डे फ्राइडे था, उस दिन अम्मी के घर अफ्तार पार्टी थी। तो जो है अचानक वाली अफ्तार पार्टी हुई तो फिर इसके बाद हसन को जो है मैंने फ्राइडे को चावल लिया हसन ने। फिर हसन नमाज़ पढ़ने खड़े हो गए, उनको चाहिए थी पानी वाली गन, वो पानी वाली गन के लिए नमाज़ पढ़ रहे थे कि मुझे अल्लाह ताला पानी वाली गन देंगे। इसके बाद जो है हमने तैयारी करी, मुस्तफ़ा ने बहुत, मुस्तफ़ा गोद के हैं तो वो बहुत तंग करते हैं। इसके अलावा मुझे आज दिन में नमाज़ वगैरह पढ़ने के अलावा मुझे अफ्तारी तो बनानी नहीं थी, तो क्योंकि अम्मी के घर जाना था, अफ्तार वहाँ पर था आज, तो इसलिए जो है मैंने अपना कुरान शरीफ जो है कंप्लीट तो नहीं हो पाया लेकिन एक दो सुपारे मैंने पढ़ लिए थे। नमाज़ पढ़ी, उसके बाद जो है बच्चे तंग कर रहे थे, उनको रेडी किया जाने के लिए। हम हसन के बाबा का वेट कर रहे थे, टाइम तकरीबन 6 बज चुके थे, लेट हो गए थे, ज़रा ट्रैफिक होता है। तो जब हम अम्मी के घर पहुँचे तो वहाँ अफ्तारी की तैयारी चल रही थी। आप लोग भी कहाँ कहाँ अफ्तारी पार्टी में गए मुझे बताएं, कैसे अफ्तार पार्टी आप लोगों की होती है। पकौड़े फ्राई कर रही थी भाभी, उसके अलावा ये सब जो था रेडीमेड था, रेडीमेड सब बाज़ार का था। पकोड़े घर में थे, शरबत घर में बना था, लेकिन इंसान को थकन हो ही जाती है घर में, थोड़ी बहुत तकरीब भी हो पार्टी भी हो। बच्चों के लिए पापड़ थे, बहुत मज़े का अफ्तार था, बहुत मज़े की चीज़ें थी, बहुत मज़ा आया खा के, पेट फुल ओवरलोडेड था। इसके अलावा जो है हमने जो है फिर उसके बाद अफ्तार का टाइम करीब था, दस्तरखान लगाया, दस्तरखान लगाने के बाद सब अफ्तारी के लिए बैठ गए थे। यही मौके होते हैं जब इंसान मिलजुल के साथ बैठता है और अल्लाह ताला सबके दिलों में मोहब्बतें अता करे और जिनके दिलों में बदगुमानियां हैं उनको दूर फरमाए और हम सबको एक साथ चलने की तौफीक अता फरमाए, रिश्तों को समझने की तौफीक अता फरमाए। सब कुछ डिफरेंट है, अरबी हम पफ थे, कीमा कचौरी थी, ये कोर्स बहुत मज़े की थी, पापड़ थे, इसके अलावा जो है मरती थी सब भारी और वो हरी मिर्चें थी, वॉन्गटॉन्स थे और घर के प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं फातिमा मेरी भतीजी ये सब जो है इंजॉय कर रहे थे, सब लोग खेल रहे थे, सब ने अपने कामों में मसरूफ़ थे अपनी अपनी शरारतों में। ये फरदान हेलो कर रहे हैं आप सबको, मुस्तफ़ा उनको देख रहे हैं, फरदान को बच्चों का बहुत शौक है, बहुत प्यार करते हैं। और ये दही बड़े बनाए थे माश दाल के और उसके, तो इसकी तैयारी चल रही थी प्रिपरेशन। आप लोगों के घर में जो है रेसिपीज़ आप लोग अपनी शेयर करें मेरे साथ, आप लोग किस कौन कौन से बड़ों के दही बड़े बनाते हैं। और ये लास्ट अलविदा से पहले वाले फ्राइडे था जिसकी ये अफ्तार पार्टी हुई थी। और इस तरह से लोग जो है अपने घरों में बुला के इस तरह ये गेट टुगेदर हो जाता है छोटा सा, हम सबको ऐसे ही थोड़े बहुत गेट टुगेदर करते रहने चाहिए, इससे मोहब्बत बढ़ती है। और जिनके घरों में नातफाक़ी हैं अल्लाह ताला उनको दूर करे। और दस्तरखान माशाल्लाह से सज चुका था, अल्लाह ताला सबके दस्तरखान को वसी करे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी नेमतें मौजूद थी। और सिर्फ अज़ान का वेट हो रहा था और मैं भी जस्ट बैठने ही वाली थी और सायरन बच्चों को लेके, बच्चे जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
कि हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, लेकिन बच्चे खाते कुछ भी नहीं है। और फिर ईद की तैयारी भी चल रही थी और खाने डिनर अफ्तार के बाद गुंजाइश तो नहीं थी, लेकिन ये बिरयानी बनी थी, यखनी बिरयानी, ये भी बहुत मज़े की थी। उसके बाद जो है हमने खाना वगैरह खा के थोड़ा लेट हम लोग घर को वापसी आए, बच्चे तंग कर रहे थे सोने के लिए, उनकी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। फिर बच्चों की भी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी थी तकरीबन, मेरी भी हो चुकी थी, बस छोटे मोटे काम थे जो करने थे। और बताएं आप लोगों की शॉपिंग हो चुकी है ईद की या नहीं हुई है, अपने कमेंट्स में ये सब ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।